नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुष्कर ऊंट मेले के बारे में दिखाएंगे। पुष्कर अपने वार्षिक मेले पुष्कर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मवेशियों, घोड़ों और ऊंटों का व्यापार होता है। यह हिंदू कैलेंडर कार्तिक महीना अक्टूबर या नवंबर के अनुसार शरद ऋतु में कार्तिक पूर्णिमा को 7 दिनों में आयोजित किया जाता है। पुष्कर राजस्थान में अजमेर के पास थार रेगिस्तान के किनारे पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह भारत का सबसे रंगीन मेला है, जिसमें दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। मेले के पहले कुछ दिनों में ऊंट की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और फिर बाकी दिनों को धार्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाता है। वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध पुष्कर झील के किनारे आयोजित यह इस गर्म धूल भरे नींद वाले शहर को पूरी तरह से बदल देता है। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है, पुष्कर शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक उत्सव है। पुष्कर ऊंट मेले के पीछे मूल उद्देश्य कार्तिक के हिंदू चंद्र महीने में पूर्णिमा के आसपास पुष्कर में आयोजित पवित्र कार्तिक पूर्णिमा उत्सव के दौरान स्थानीय ऊंट और पशु व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आकर्षित करना था। पुष्कर ऊंट की सवारी और रेगिस्तान के अनुभव के लिए एक आदर्श स्थान नहीं है, लेकिन पुष्कर की अपनी विशेषता और आकर्षण है। कई पर्यटक यहां रात बिताना पसंद करते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा के समय प्रत्येक नवंबर में आयोजित पुष्कर ऊंट मेला भारत के सबसे उच्च श्रेणी के यात्रा अनुभवों में से एक है, जो एक महाकाव्य पैमाने पर एक तमाशा है, जो हजारों ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों को आकर्षित करता है और 4 लाख से अधिक लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। लगभग 14 दिनों की अवधि, आगंतुकों के लिए यह पिछले महान पारंपरिक मेलों में से एक के रंग, तमाशा और कार्निवल को देखने का एक बार का अवसर है, जो पूरे राजस्थान से पशुधन, किसानों, व्यापारियों और ग्रामीणों को लाता है। हमारा मानना कि ऐसे अनुभव का हर पहलू खास होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।